अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं अंदर ही। नाज़रीन, इस वक्त जो है शांति यात्रा ठाठी में पहुंची हुई है, आप लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये जो है शांति यात्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस वक्त जो है ठाठी में पहुंची गई, जहां पर जो है गांधी जयंती के जन्मदिन को मनाने से पहले ये जो है यात्रा चलाई शुरू की गई थी और अभी जो है ठाठी में पहुंची गई। और महला के स्कूल जो हैं वो अभी यहां ठाठी तक पहुँचे हैं और ठाठी में इनको रिसीव किया गया है। यहां से अब जो है अभी बाजार तक ये रैली जाएगी। चलो आप चलो आगे चलो आगे चलो आपको फिर से बता दें, ये गांधी जी की शांति यात्रा के नाम से जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाली हुई है और इस वक्त जो है ठाठी में रिसीव की गई है। अभी जो है रैली बाजार तक जाएगी ठाठी। मेरा फोन जरा अपने माइक खोलता हूँ, जरा कुछ लाइव है, लाइव होता अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप थोड़ा ज़रा कमेंट करके बताएं क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं द चनाब टाइम्स के साथ। तो इस वक्त जो है ये शांति यात्रा जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से निकाली गई है और इस वक्त जो है ठाठरी के अंदर जो है इनको रिसीव किया गया है और यहाँ से आगे जो है जा रही है। वही एक टीचर बोलेगा, उनको बोलो जरा मेरे साथ साथ चले, थोड़ा चलते चलते ही बोलना है, किसी को रेडी कर लो। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप थोड़ा कमेंट करके बताएं, मुझे कंफर्म हो जाएगा। इस वक्त जो है गांधी जयंती, जिस तरह से आप जानते हैं गांधी जयंती जो है पूरे देश में मनाई जाएगी 2 अक्टूबर को, तो अभी फिलहाल जो है उनके लिए एक शांति यात्रा निकाली गई है। आप देख रहे हैं कि विजुअल्स में बच्चे जो हैं, कुछ लोग गांधी बन के जो है यहाँ पर आए हुए हैं, जो कुछ स्कूलों के बच्चे हैं और उनके साथ इनके टीचर्स भी हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। इस वक्त जो है यहाँ से किश्तवाड़ की तरफ जो है ये रैली जा रही है। इस वक्त जिला डोडा के ठाठरी में हम हैं और यहाँ से आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि
जो ये शांति यात्रा जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। आराम से चलो, आराम से, साथ साथ में चलो, साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। नहीं नहीं, चलते 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 चलो, ये लगा लो आप कॉलम। सर थोड़ा इस शांति यात्रा के बारे में बताइए। देखो ये शांति यात्रा जो 7 सितंबर 2022 को जम्मू टीचर भवन से शुरू हुई थी, वो आज पहले यहाँ से राजौरी पुंछ वहाँ से होते हुए ये जो हमारे रियासी से उधमपुर और वहाँ से रामबन और अब ये 7वें डिस्ट्रिक्ट हमारे जो जम्मू प्रोविंस है उसका 7वां डिस्ट्रिक्ट है। आज यहाँ पे हमने ये जोन ठाकरी में इसको रिसीव किया है। आज शाम को ये जो मशाल है जो शांति यात्रा की, ये आज यहाँ पे ही रुकेगी और कल हम इसको हैंडओवर जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है उनको कल हम इसको हैंडओवर करेंगे। सर इस तरह का प्रोग्राम पहली दफा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें? हाँ, ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि गांधी जी जिन्होंने पूरी उम्र जो सत्याग्रह है जिसको हम ट्रुथ और नॉन वायलेंस कहते हैं, मतलब अहिंसा के रास्ते पे उन्होंने पूरे दुनिया को ये बताया, ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम अहिंसा से कुछ भी जीत सकते हैं। हिंसा किसी भी चीज का सलूशन नहीं हो सकता है, हम अहिंसा से ही किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और उस उपलक्ष्य में जब हम इसको आज के संदर्भ में देखते हैं, आज हमारे जहां चारों तरफ से वातावरण ऐसा है, इतना दूषित वातावरण है कि लोग इतना वायलेंस, आज के जमाने में जो इतना वायलेंस हो रहा है, लोग पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ लड़ रहे हैं। आज के समय में जो गांधी जी ने आज से जो हम बोलते हैं 1906 में उन्होंने पहली बार जब ये नारा दिया सत्याग्रह का, अगर हम देखें 1 सेंचुरी बाद भी उसका रेलिवेंस आज बहुत ज्यादा है। इसी मैसेज को लेके हमारे, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो पूरी फैमिलीज को अपने चैनलाइज कर सकते हैं, अगर उनको ये बात समझ आ जाए, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारे यंगस्टर्स है, अगर इनको इस बात का पूर्ण ग्रहण हो कि अहिंसा के रास्ते से ही हम सब चीजों का सलूशन निकालेंगे, तो उस हिसाब से ये पहली बार हो रहा है। इसके लिए हम तो बहुत ही हमें बहुत खुशी है कि ये हमारे यहाँ पे ये मशाल आज पहुंची है। सबसे पहले मैं आपका मशहूर हूँ, चिनाब टाइम्स का मैं मशहूर हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मैं मंजूर अहमद हूँ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कल्चरल सेल सी ऑफिस डोडा से। और जिस तरह से मशाल रैली जब चली थी, ये टीचर भवन गांधीनगर जम्मू से चली थी और ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से होती हुई अब हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के आखिरी पड़ाव पर ठाठरी के मकाम पे आई है। यहाँ से ये मशाल रैली जो है वो किश्तवाड़ की तरफ रुख करेगी और कल सुबह इसका रिसेप्शन होगा कालनी नाला ब्रिज पे, जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस किश्तवाड़ मिस्टर शफकत सर रिसीव करने आएंगे, जिस तरह से हमें इतना मौसूल हुई है। मैं इस शांति रैली के हवाले से इंटायर टीचर कम्युनिटी को, इंटायर स्टूडेंट फेडरेशन, खासकर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और जो हमारा स्टाफ है, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर का कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये अमन और अमन की मिसाल जो है, अमन की मशाल जो है, वो कहते हैं ना कि ये सरजमीन डोडा है, यहाँ हर कोई खुशहाल, वो किसी हिंदू की नहीं है, मुस्लिम की नहीं है, ये सरजमीन हिंद है, शहीदों की जमीन है, ये सरजमीन डोडा है, आए यहाँ पे हर कोई है खुशहाल, भाईचारे और अमन की जिंदा यहाँ मिसाल, आओ देखो किस तरह से मिलके रहते हैं डोडा में हम लोग, आपस में गम खुशी को किस तरह मिलके बांटते हैं हम लोग, कोई जलता है तो जलता रहे, हमको उससे क्या, हम अमन पैरा है, जो था शाह साहब ने कहा
हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे और हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। इसके साथ साथ मैं पूरी इंटायर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, खासकर बिलखसूस खाटी की जो पुलिस है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ बंदोबस्त खासकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो ये मशाल रैली जो है 153वें जन्मदिवस के मौके पर, गांधी जी जयंती के ऊपर ये निकाली गई है और ये वापस टीचर भवन जाएगी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल ठाठरी। आज ये शांति यात्रा हमने रिसीव की है जहाँ ठाठरी के अंदर, तो ये शांति यात्रा जो निकाली गई डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, तो जहाँ पे आज पहुंची हमने रिसीव किया, इसको वेलकम किया। ये शांति की यात्रा थी जो इनजस्टिस, जो इनजस्टिस के लिए अगर फाइट करना है, हमारे गांधी जी का जो विजन था कि हम शांति से कोई भी चीज जीत सकते हैं, तो इनजस्टिस के लिए अगर फाइट करना हो तो हम नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलेंगे। वायलेंस के रास्ते को हमने छोड़ना है और हमने शांति का ये पैगाम हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा में आज लास्ट ये जगह थी ठाठी, कल हम इसको किश्तवाड़, आज ये यात्रा हमारे पास रुकेगी और कल हम इसको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हवाले करेंगे और यही यात्रा किश्तवाड़ से कल दोबारा वापस चलेगी, परसों हम इसको रिसीव करेंगे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जहां हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और हमारे जो वर्दी जो डायरेक्टर साहब स्कूल एजुकेशन, वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज यात्रा जो हमारे पास पहुंची, हमने जहां पे यात्रा का वेलकम किया। ये पीस की यात्रा है, हम इस यात्रा को जगह जगह सोसाइटी के अंदर फैलाना चाहते हैं कि शांति से कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। तो यही हमारा पैगाम है, हम सोसाइटी के अंदर यही चीज हम बताना चाहते हैं। थैंक यू। तो जेडियो बंद्रा सर है, इन्होंने हैंडओवर की है जेडियो पार्टी, वो भी आ जाए। बहरहाल चनाब टाइम का शुक्रिया, आप हमारे पास आए। आज जो मशाल हमारे गांधी लहरी की आ रही है जडियो घाट से, मैंने हाई सेकेंडरी जठेली के पास रिसीव की और आप जडियो ठाठी को ठाठी में आकर मैंने हैंडओवर की, तो अब इनकी जिम्मेवारी यहां से डिस्ट्रिक्ट का किश्तवाड़ ले जानी है, वो इनकी जिम्मेवारी बन रही यहां से। तो इसका मैसेज जो है पहली दफा लिया गया है इंतजामिया के द्वारा, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? यदि बहुत अच्छा, जैसे ये मैसेज है गांधी जी का, ये हर जगह जाना चाहे, जैसे हमने अपने जोन में हर जगह मैसेज दिया, वैसे ये भी अपने जोन में दें और यहां से आगे किश्तवाड़ में दें और उसके बाद इसका शेड्यूल बना है, शेड्यूल के मुताबिक ये वापस जाएगी। चलते हुए बनो ये यात्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, पहली बार इस किस्म की ये यात्रा हो रही है जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट से ये चिन्ह शांति चिन्ह जो है, शांति चिन्ह 10 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जो है यहाँ अक्सर आज हमारे डोडा के ठाठरी सब डिविजन में पहुंची है। इसका मकसद यह है कि अमन शांति चैन और उन्नति का पैगाम है। ये छोटे छोटे बच्चे बड़े खुशी से उत्साह से जो है ये इस यात्रा में शामिल हैं, ये यही पैगाम देते हैं हर लोगों के लिए, बच्चों के लिए। सर जिस तरह से ये नए किस्म का इनिशिएटिव है, किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत अच्छा है ये पैगाम, एक शांति उन्नति का, तरक्की का, अमन का, सच्चाई का एक पैगाम है महात्मा गांधी जी के। ये जो है जन्म दिन के अवसर से पहले जो है ये गांधी महोत्सव जो मनाया जा रहा है यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में, 2-3 तारीख को ये जो है गांधीनगर जो है जम्मू में टीचर्स भवन में मनाया जाएगा। ये 10 डिस्ट्रिक्टों से 1000 किलोमीटर का सफर करते हुए ये फिर गांधीनगर पहुंचेगी ये यात्रा, और तकरीबन 450 स्कूल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं पूरी यात्रा के दौरान में, और हर जगह जो है इसको अच्छी ये एक पैगाम पहुंचा है लोगों के तक और बच्चों के तक जो पैगाम पहुंचा है ये बहुत किस्म की ये अलग नवियत की यात्रा है। तो इसमें जो है यही हर किस्म के लोग जो हैं, हर सोसाइटी के PRIs जो हैं, DDC जो है, और स्कूलों के बच्चे जो हैं इस ये जो शांति का जो ये
सिंबल है हमारे सामने जो आज हमने यहाँ ठाठरी में इसको रिसीव किया है। गोंदना ब्लॉक से आए हुए बच्चे जो है बड़े जोश खरोश से, बड़े उत्साह से, बड़े प्यार मोहब्बत से शांति का पैगाम देते हुए, और रास्ते में जो इतनी डस्ट प्रोन एरिया है ये मैं दाद देता हूँ इन बच्चों की। और जो इस वक्त भी शाम के वक्त में भी इनका हौसला जो है अभी जो है जोश और वलवले से ये जो है इस प्रोग्राम इस शांति शांति की जो है ये मिसल है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कल जो है हमें किश्तवाड़ ये डिस्ट्रिक्ट के हवाले करनी है, और यहाँ जो ठाठरी में आज इसका यहाँ ही कयाम होगा। सुबह हम अलग सुबह जो है इसको जिला किश्तवाड़ के हवाले करना है। तो ये यहाँ तक जो है पुरमन तरीके से जो है ये अभी जो है इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस हमारी लोकल जेके पुलिस है, बच्चियां हैं स्कूल के हैं, और गुंदना से आए जेडियो साहब यहाँ हैं जिन्होंने हमें ये हमारे सुपर्द की है। तो ये जो है आगे चलती रहेगी है, पूरे 1000 किलोमीटर से सफर यानी तय करके फिर गांधीनगर ये जम्मू में पहुंचेगी जहां से निकली थी। और 450 स्कूल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो रास्ते में जो है एक चैन बनी हुई स्कूल टू स्कूल। तो इस तरह से आज हमारा ये नंबर था शेड्यूल के मुताबिक, तो हम इसको बखूबी जो है आगे जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसको मुंतकिल करेंगे। फिर हमारी और जिम्मेवारी है वापसी पर, हमने फिर इसको इसको रिसीव करते हुए जो है पुल डोडा तक जो है जो भाला ब्लॉक जो है उसके सुपर्द करनी है। तो ये हमारी काफी लंबा ट्रेन है और 2-3 दिन का हमारा ये इसमें ये प्रोग्राम है। तो इसको हम बखूबी जो है प्यार मोहब्बत से और शांति का पैगाम देते हुए हैं इसको इस रास्ते से गुजार कर जो है भला के हवाले करेंगे आखिर में। शुक्रिया। तो नाजरीन आप सुन रहे थे ZEDO ठाठरी की जुबानी। तो पूरा जो है सभी लोगों ने डिफाइन किया, आप जरा मैं आपको साइड से विजुअल दिखा दूं किस तरह से बच्चे यहां पर जमा हुए हैं। अभी शाम का वक्त है और महला से ठाठरी बच्चे आए हुए हैं। महला जो यहां एक तहसील पड़ती है जिला डोडा के अंदर, वहां से बच्चे आए हुए हैं और यहां पर इस वक्त जो है ये जो शांति का सिंबल इन्होंने लाया हुआ है और ये हवाले कर रहे हैं। नाजन आपको बताते चले ये जो है जिस तरह से इन्होंने बताया कि गांधी नगर जम्मू से जो है यात्रा निकली, वहां से होते हुए किश्तवाड़ पाडर तक जाएगी, वहां से वापस आते हुए फिर से जो है लास्ट में 3 अक्टूबर जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को जो है गांधी नगर जम्मू में जो है वापस इसको पहुंचाया जाएगा और वहां पर जो है एक फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा। ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है, एलजी इंतजामिया की तरफ से इनिशिएटिव है। तो फिलहाल यहां पर जो है ये बच्चे पहुंचे हुए हैं और अभी फिलहाल ये जो है ZEDO गुंदना और ZEDO ठाठरी को जो है सिंबल शांति का सिंबल जो यहां पर लाया हुआ है इसको जो है हैंड ओवर कर रहे हैं। फिलहाल आप वीडियोस में देखें यहाँ पर जो है सभी टीचर्स हैं, PRIs हैं, DDC ठाठरी हैं। आप देख यहाँ पर कुछ बच्चे जो है गांधी बने हुए हैं, वो उनको भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये शांति का सिंबल है, ये बच्चे जो है गांधी बने हुए हैं। इधर देखो, शाबाश शाबाश, तो यहाँ पर ये बच्चे जो है गांधी जी का जो है ड्रेस पहना हुआ है और जो है एक तरह से गांधी जी बने हुए हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं, जो शांति और पीस की यात्रा निकाली गई है पीस के लिए, तो उसका मैसेज देने के लिए इनने जो है अपना एक अटायर बनाया है। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी गर्ल्स जो है वो भी हैं और टीचर्स कुछ हैं और बाकी यहाँ पर सभी स्टाफ बैठा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस तरफ से जो है हैंड ओवर किया जा रहा है, DDC ठाठरी यहाँ पर मौजूद है फिलहाल। तो फिलहाल जो है ये हैंड ओवर किया जा रहा है, देखते हैं किस तरह से ये जो है ZEDO ठाठरी, DDC ठाठरी और बाकी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है यहाँ पर है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर बच्चे भी हैं जो है गांधी बने हुए हैं और यहाँ पर बॉयज हाई स्कूल ठाठरी के अंदर जो है फिलहाल हैंड ओवर टेक ओवर हो गया। इसके बाद जो है यहाँ से फिलहाल आज रात को ये यात्रा यहीं रुकेगी और सुबह यहाँ से किश्तवाड़ की तरफ रवाना की जाएगी। आप बने रहें दक्षिण आफ्रिका के साथ। जी जी जी, इजाजत, खुदा हाफिज।